असला स्टूडेंट्स इस सेशन में हम दूसरे ऑपरेशनल मॉडल की बात करेंगे दैट इज मार्केट इंटरमीडियरी मॉडल आप अपनी स्क्रीन पर एक फिगर देख सकते हैं अगेन बहुत सिंपल फिगर है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं टारगेट पॉपुलेशन सोशल एंटरप्राइज और मार्केट लेकिन इस दफा इनकी पोजीशन बदल गई है पिछले मॉडल की नस्बत सोशल एंटरप्राइज़ जो है वो दरमियान में है इंटरमीडिएट दरमियान वाले लेवल पे और वो इंटरमीडियरी का रोल कर रहा है बिटवीन टारगेट पापुलेशन एंड मार्केट किस तरह से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद करते हैं सोशल एंटरप्राइज़ेस जो मार्केट इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं वो क्लाइंट जो कि अमूमन इंडिविजुअल्स स्मॉल स्केल फार्म्स या कोऑपरेटिव्स या एसोसिएशंस होती हैं उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से सर्विस फ्राहम करते हैं नोट करें वो लोन नहीं दे रहे वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे वो प्रोडक्ट डेवलप करने में मतलब टारगेट पॉपुलेशन के पास ऑलरेडी कोई स्किल होनी चाहिए कोई काम करते हूं, अगर कोई एसोसिएशन या कोई कोऑपरेटिव है तो वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हों सोशल एंटरप्राइज एज इंटरमीडियरी उन्हें वो प्रोडक्ट्स देगा जिनके ज़रिए से वो बेहतर तौर पर अपनी प्रोड्यूस को डेवलप कर सकें डिज़ाइन कर सकें और उसको मैनेज कर सकें दूसरी तरफ सोशल एंटरप्राइज जो है वो मार्केट जो हाई वैल्यू मार्केट्स हैं उनको एक्सेस करता है उनको एक्सप्लोर करके उन तक पहुंच करके वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो बनाती है सोशल एंटरप्राइज अमूमन अपनी टारगेट पॉपुलेशन से स्मॉल फर्म्स या कोऑपरेटिव से उनकी प्रोड्यूस ख़रीद कर उसे कमीशन पर हाई वैल्यू मार्केट्स में फरोख करता है जो कमीशन का मार्जिन है वो ज़ाहिर है वो फेयर ट्रेड ये एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें टारगेट पॉपुलेशन को अच्छा मार्जिन पे प्रॉफिट जो है वो फ्राहम किया जाता है ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है इस मॉडल का अगर उनको एक फेयर डील नहीं मिलेगी टारगेट पॉपुलेशन को अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर इंटरमीडियरी होने का सोशल एंटरप्राइज का कोई फ़ायदा नहीं है उसका रोल यही है कि वो उनको भी फायदा पहुंचाए लेकिन साथ साथ सोशल एंटरप्राइज़ ने अपने आप को भी ऑपरेशनल रखना है उसके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसिस हैं वो भी पूरे करने हैं इस तरह वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसिस के लिए एक छोटा सा कमीशन जो है वो लेता है जिसके ज़रिए वो अपने आप को सस्टेन करता है लेकिन मुनाफा का एक अच्छा फेयर शेयर जो है वो टारगेट पॉपुलेशन को वापस चला जाता है दूसरी तरफ हाई वैल्यू मार्केट्स जो हैं वहाँ पर जो लोकल बाजुकात इंडिजिनस और नेटिव जो प्रोड्यूस होती है वो उन मार्केट्स तक पहुँचती है जो कि अमूमन मल्टानेशनल या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इग्नोर कर देती हैं लोगों तक नहीं पहुँचा पाती या उस तरह से उनकी जो मार्केट का मेकनिज़म है वो काम नहीं करता कि वो बहुत ही लोकल लेवल पर प्रोड्यूसर्स तक पहुंच सके इंटरमीडिय मॉडल की एंटरप्रेन्योर सपोर्ट मॉडल की तरह कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिनमें स्केलेबिलिटी है कि बड़े पैमाने पर काम कर सकता है ज़्यादा क्लाइंट्स ज़्यादा टारगेट पॉपुलेशन जो है उसके साथ रबे रख सकता है सेल्फ सफिशेंट है इस लिहाज से कि उसका बिजन आ, बिजनेस और उसका मिशन जो है वो एक ही हैं उसको अपने क्लाइंट टारगेट पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सर्विस डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को सस्टेन करना है उसी प्रोडक्ट में से अपने लिए भी कमा कर और टारगेट पॉपुलेशन के लिए भी लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं ख़ास तौर पर मार्केट के हवाले से जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर मॉडल जो है इंटरमीडियरी uh, का उसके प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जांपल मार्केट की असेसमेंट या रीडिंग जो है वो बतौर इंटरमीडियरी उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है बाजूक़ात जो हाई वैल्यू मार्केट्स हैं उन तक एक्सेस या एंट्री के हवाले से बैरियर्स होते हैं आप आसानी से उनको एक्सेस नहीं कर सकते कार्टल्स बने होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की मनापली होती है और इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं इसी तरह मार्केट्स जो हैं वो सेचूरेटेड होती हैं ऑलरेडी इतनी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं कि एक छोटे पैमाने की लोकल लेवल पे बनी हुई नई चीज़ के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता है जब तक कि वो एक्सेप्शनली बेहतरीन या नई या इनोवेटिव ना बनी हुई हो इसी तरह मार्केट्स जो हैं वहाँ पे प्राइस डिटामिनेशन और प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिक है वो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट करता है ऐसे में इंटरमीडियरी का यानी सोशल एंटरप्राइज का कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो अपने टारगेट पॉपुलेशन को कितना प्रॉफिट दिला सकती है और उसी लिहाज से उसका कमीशन जो है वो भी इफेक्ट होता है एक और लिमिटेशन जो इंटरमीडियरी मॉडल की है वो उसकी फील्ड है ये बहुत ज़्यादा फील्ड में एप्लीकेबल मॉडल नहीं है यूजली स्मॉल स्केल जो हैंडी बनाने वाली ख़वात या या इस तरह की चीज़ें जो बनाते हैं उनके ग्रुप्स हैं फार्मर्स की एसोसिएशन हैं सब्जी शहद और इस तरह की चीज़ें जो करते हैं या वो छोटी छोटी फार्म्स हैं लोकल लेवल पे जो घरों में या कम्युनिटी के अंदर रहते हुए प्रोसेस्ड फूड्स या प्रोड्यूस जो है वो बनाती हैं और फिर उनको एक बेहतर मार्केट में इंटरमीडियरी जो है वो भेजने की कोशिश करता है मैं आपको मिसाल देती हूँ आपने के एन एन का नाम सबने सुना होगा खाते भी होंगे के एन एन जो है वो प्रोसेस्ड फूड है और ये एक बहुत बड़ा एक जॉइंट आप कह सकते हैं प्रोसेस्ड फूड में है उसकी एक तरह से एक मोनोपोली थी पहले सिर्फ के एन एन फूड ही होता था फिर कुछ और फॉर्म्स एंटर हुई और अब आप कुछ लोकल ख़ी के आप आपको इस किस्म के एड्स मिलते हैं घर के जायके वाले कबाब या घर के जायके वाले मसाले या घर के जायके वाले इस तरह की चीज़ें वो आपको मार्केट के शेल्फ पे नज़र आती हैं ये अमूमन सोशल एंटरप्रेन्योर जो इंटरमीडियरी का रोल कर रहे होते हैं उनके ज़रिए से सेल होती हैं क्योंकि शायद दूर दराज गाँव या मोहल्ले में रहने वाला कोई फॉर्मल या ख़ातून जो हैं वो उस सुपर स्टोर तक ना पहुंच सकें जहाँ के एंड की चीज़ें पड़ी हैं और जिनसे वो कम्पीट करना चाह रहा है जिससे वो मार्केट कैप्चर करना चाह रहा है तो सोशल एंटरप्रेन्योर का जो इंटरमीडियरी मॉडल है वो बहुत एंटरप्रेन्योर सपोर्ट मॉडल के करीब है फ़र्क सिर्फ ये है कि एंटरप्रेन्योर सपोर्ट मॉडल डायरेक्ट फाइनेंशियल सर्विस देता है जबकि ये मॉडल जो है इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग के हवाले से सर्विसेज फ्राहम की जाती हैं थैंक यू